नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज सबसे पहले आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए राष्ट्र गौरव की बात करना चाहता हूं। देश दुनिया के लोग जो देश की राजधानी दिल्ली आते थे, राजपथ पर जरूर जाते थे। आज राजपथ की जगह कर्तव्य पथ ने ले ली है। कर्तव्य पथ आज से एक प्रतीक के तौर पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने आया है। जिस कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, जिस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर हिंदुस्तान ने गुलामी की निशानी को पीछे छोड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज देश एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्र राष्ट्र को दिया है, उसी राष्ट्र पर आगे बढ़ रहा है यह पथ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो गौरवशाली स्थान सौंपा है, जगह सौंपी है, जिसका इंतजार पिछले 75 सालों से हिंदुस्तान कर रहा था। सेंट्रल विस्टा एक महत्वपूर्ण हिस्से का लोकार्पण कार्यक्रम कैसे नए हिंदुस्तान की छवि दुनिया के सामने रख रहा है, यह आज आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा राष्ट्र की आवाज के जरिए आज मैं आपको एक ब्रिटिश इंजीनियर के कर्तव्य कथा के बारे में बताऊंगा। दो दिन बाद ही तमिलनाडु की सरकार जॉन पेनी क्विक की प्रतिमा लंदन के करीब उनके घर के पास लगाने वाली है। इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। दुनिया भर में आज पेनी क्विक की जो भी चर्चा है, जिन्होंने 150 साल पहले पेरियार नदी पर बांध बनवाकर तमिलनाडु के लोगों को अकाल सूखा से मुक्ति दिलवाने का काम किया, कैसे अपने कर्तव्य की वजह से पेनी क्विक आज भी इलाके में पूजे जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। अमेरिका क्या चाहता है, आज पूरी दुनिया की नजर इसी समझने में लगी है और इसे समझने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से अपने मिनटमैन मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका धौंस दिखा रहा है, रूस और चीन को डरा रहा है, धमका रहा है। अमेरिका के मिनट मिसाइल की पहुंच रूस और चीन तक है। मिनटमैन मिसाइल का वार परीक्षण कैसे अमेरिका पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार का डर दिखा रहा है, यह डर आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि उसका असर मेरे हिंदुस्तान पर कैसे होगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज राष्ट्र की आवाज की शुरुआत मैं कर्तव्य पथ की शानदार तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। पहले आप कर्तव्य पथ के लोकार्पण की भव्य तस्वीरें देखिए। मैं 100 देश के 30 करोड़ लोगों को ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो स्थान दिया जिसका इंतजार राष्ट्र को पिछले 75 सालों से था। जो कोई सरकार नहीं दे सकी, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया है, राजपथ पर अब इतिहास का यह हिस्सा हो गया है। वो तस्वीरें जरा देखिए, राजपथ का नया अवतार आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये राजपथ का नया तस्वीरें हैं, सेंट्रल विस्टा का एक हिस्सा है और इस कर्तव्य पथ के रूप में देश और दुनिया के सामने तस्वीर आ रही है। ये टॉप एंगल से ली हुई तस्वीरें हैं। अगर आप इंडिया गेट और उसके आसपास में घूमने के लिए गए हैं तो आपने जो पहले तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों को देखकर आप रुक नहीं पाएंगे। ये भव्य नजारा है। देश आजादी अमृत महोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ,
और इस तैयारियों के चलते एक और तस्वीर पूरे दुनिया को रुभा रही है। राजपथ के कर्तव्य पथ में तब्दील होने के साथ मैंने अपने ब्रिटिश इतिहास की एक बड़ी निशानी भी मिटा दी है, ये कहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में राजपथ के कर्तव्य पथ बनने की चर्चा पूरे जोरों शोरों से चल रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्वच्छ से कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चित परिचित अंदाज में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने के लिए पहुंचते हैं और अब इसी अंदाज में उनका स्वागत किया जाता है। जरा देखिए, मैं एम्बियंस के जरिए इस तस्वीर को और ज्यादा ऐतिहासिक कराना चाहता हूँ। पीसीआर से कहूंगा थोड़ा एम्बियंस दिखाइए। बहुत कुछ बयां कर रही है। और ये वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तस्वीरें देखी, नेताजी सुभाष चंद्र को जो जगह मिली है वो जगह कितनी खूबसूरत है, किस तरीके से सजाया गया है, ये हर किसी के लिए एक गौरवशाली पल है। और खासतौर से जो भी कोई अब इंडिया गेट जाएगा, कर्तव्य पथ पर जरूर जाएगा, तो इस तस्वीरों को जरूर देखेगा और आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आपको देखती नजर आएंगी और ये तस्वीरें बहुत करीब से आप देख पाएंगे। हिंदुस्तान के ब्रिटिश इतिहासकार से जुड़ी एक और खबर पूरी दुनिया की मीडिया में आज सुर्खियों में छाई हुई है। एक खबर ब्रिटिश इंजीनियर जॉन पेनी क्वीन से जुड़ी है, जिनकी प्रतिमा तमिलनाडु सरकार ने ब्रिटेन भेजी है। वो लंदन पहुंच गई है और 10 सितंबर को पेनी क्वीन के घर के पास लगने वाली है। इसीलिए मैं आज इन्हीं दो खबरों के साथ राष्ट्र की आवाज की शुरुआत करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आज इन दो तस्वीरों के बारे में बताना चाहता हूं, जो तस्वीरें बेहद भव्य हैं, ऐतिहासिक हैं, हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाती है। तस्वीरों के साथ मैं राष्ट्र की आवाज आज इसी पर दिखा रहा हूं, यानी कर्तव्य पथ के साथ साथ में इंजीनियर पेनी क्वीन के कर्तव्य कथा के बारे में भी आगे आपको समझाऊंगा और उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर्तव्य पथ की, राजपथ बदलकर कर्तव्य पथ बन गया है। कर्तव्य पथ का नया अवतार शानदार है, इसकी डिजाइनिंग, इसकी खूबसूरती, इसका विस्तार, इसकी भव्यता हर किसी को पसंद आ रही है। हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा का हिस्सा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का रास्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के मुख्य मार्ग को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, जो अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर दिया है और मैं आपको उद्घाटन की खास तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर लाइए वो तस्वीरें, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के साथ पूरी दुनिया देख रही है। कल यानी 9 सितंबर से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 20 महीने से यह रास्ता बंद था, कल से कर्तव्य पथ पर लोग घूमने फिरने आ सकेंगे। कर्तव्य पथ के पास का पूरा एरिया बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, आम लोगों की हर जरूरत को खास ध्यान रखा गया है और यह नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए रात दिन एक करके इस पथ को बेहद खूबसूरत, भव्य और सुंदर बनाया गया है। कर्तव्य पथ के आसपास लाल ग्रेनाइट से लगभग 15 किलोमीटर का वॉक वे बना दिया है। बगल में करीब 19 एकड़ में फैले नहर वाले क्षेत्र को रीडिजाइन किया गया है। नहरों पर 16 पुल बनाए गए हैं।
फूड स्टॉल के साथ दोनों तरफ बैठने के इंतजाम किए गए हैं और इस क्षेत्र में करीब 4 लाख वर्ग मीटर ग्रीन एरिया को डेवलप किया गया है। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास बनाए गए हैं। कृषि भवन, वाणिज्य भवन के पास वोटिंग की सुविधाएं खास तौर से की गई हैं। पर्यटकों सुविधाओं के लिए पर यहां पर पार्किंग भी लॉट बनाया गया है। पार्किंग लॉट में 1000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट के आसपास से पार्किंग के लिए स्पेस है जहां 35 बसें खड़ी हो सकेंगी। रात के वक्त इस पूरे इलाके को रोशन करने के लिए आधुनिक लाइटिंग के इस्तेमाल किया गया है, खास व्यवस्थाएं की गई हैं। 74 ऐतिहासिक लाइट्स पोल्स और चेन लिंक्स को भी रिस्टोर किया गया है, साथ ही 900 से ज्यादा लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। इस पूरे इलाके में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहां 24 घंटे करीब 80 सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे और आप जब भी इंडिया गेट घूमने जाते थे तो ये तस्वीरें आपको और ज्यादा भव्य करेंगी। हालांकि आम लोगों के लिए कल से ये रास्ता, ये रोड खुल जाएगा। जो दिल्ली में रहते हैं या आसपास दिल्ली में घूमने आते हैं, उनका सबसे पसंदीदा जगह इंडिया गेट है। हालांकि मेरा भी बहुत पसंदीदा जगह इंडिया गेट रहा है। इसके लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं। एक आकांक्षी भारत, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नव निर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। और कल से लेकर के अगले 3 दिन यानी शुक्र, शनि और रवि, 3 दिन यहां पर नेताजी सुभाष बाबू के जीवन पर आधारित शाम के समय ड्रोन शो भी आयोजन होने वाला है। आप यहां आइए, अपने और अपने परिवार की तस्वीरें खींचिए, सेल्फी लीजिए, इन्हें आप #कर्तव्य पथ से सोशल मीडिया पर भी जरूर अपलोड करें। मुझे पता है ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के लोगों की धड़कन है। यहां शाम को बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, समय बिताते हैं। कर्तव्य पथ की प्लानिंग, डिजाइनिंग और लाइटिंग इसे ध्यान में रखते हुए भी की गई है। मुझे विश्वास है कर्तव्य पथ की ये प्रेरणा देश में कर्तव्य बोध का जो प्रवाह पैदा करेगी, ये प्रवाह ही हमें नए और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तक लेकर जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में थी। कभी कोरोना तो कभी कुछ कानूनी अड़चने, लेकिन काम चलता रहा। अब इसके बीच के हिस्से की रीडिजाइन पूरी हो चुकी है। इसमें 19 महीने का वक्त लगा है और करीब 608 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल के आखिर तक नए संसद भवन के पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। साल 2023 के आखिर तक केंद्रीय सचिवालय का काम भी पूरा करने का टारगेट रखा गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती बता रही है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शानदार तरीके से आगाज हुआ है। वहीं राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन की पहचान से जुड़ा रहा है ये राजपथ। साल 1991 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई थी, तब एडविन लुटियंस और
हर्बर्ट बेकर ने की डिजाइनिंग शुरू की थी। साल 1920 में राष्ट्रपति बनकर तैयार हुआ था, तब इसे किस्वे यानी राजा का रास्ता कहा जाता था। आजादी के बाद से साल 1961 में इसका नाम बदलकर राजपथ रख दिया गया। किंग्सवे का हिंदी अनुवाद था, अब इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यानी ये इसका इतिहास रहा है। कर्तव्य पथ की खबरों के साथ मैं आपको एक और कर्तव्य स्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज पेनुकिक के कर्तव्य की कथा आपको समझाना चाहता हूं। आज इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। तमिलनाडु की सरकार पेनुकिक के प्रतिमा लंदन में 50 किलोमीटर दूर कैवरेले में लगवाने जा रही है। 2 दिन बाद ये कार्यक्रम होना है। वर्ल्ड मीडिया में ये खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से पेनुकिक की कर्तव्य कथा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साउथ इंडिया के एक बड़े इलाके में इनकी पूजा की जाती है। साउथ इंडिया के लोग पीढ़ियों से पेनुकिक को पूजते आ रहे हैं। बतौर इंजीनियर पेनुकिक ने साल 1970 के दशक के दौरान कुछ ऐसा कर्तव्य किया जिसने लोगों का जीवन बदल दिया। पेरियार नदी पर एक ऐसे बांध का निर्माण करवाया जिसने तमिलनाडु के इलाके में अकाल भूखमरी की समस्या को दूर किया, और यही वजह रही कि आज भी पेंगोंग पर्व पर सेलिब्रेशन पेनुकिक की पूजा के साथ शुरू की जाती है। और इस खास मौके पर भगवान सूर्य के साथ इस ब्रिटिश इंजीनियर की पूजा की जाती है। करीब 150 साल बाद भी हर खुशी के मौके पर पेनुकिक याद किए जाते हैं। ब्रिटेन में पेनुकिक की कब्र यहाँ के लोगों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। पेनुकिक के रिश्तेदार आज भी यहाँ आमंत्रित किए जाते हैं। पेनुकिक की नातिन क्या कह रही हैं इस खास मौके पर, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। My name is Dr. Diana Gibb. So my father's name was Gibb, my mother's name was Pennycook. And so I decided I wanted to come and visit the dam in memory of my mother and for my family. My great-great-grandfather, his name was Charles Pennycook. He was also an engineer, and I think he built things in Sri Lanka, actually. But his brother was John Pennycook. So, and my mother's name was Sally Pennycook. So it's slightly complicated because it's 2 generations ago. Yes? Okay. एक इंजीनियर कैसे अपने कर्तव्य की वजह से कल्ट का हिस्सा बन गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 150 साल पहले के हिंदुस्तान में अकाल पड़ना आम बात थी। साल 1876 से लेकर 1878 के बीच मद्रास में भीषण अकाल पड़ा। अकाल की वजह से मद्रास में 40 से 50 लाख लोगों की मौत हुई। यह अकाल पड़ने की एक वजह थी वेंगई नदी। ये पश्चिमी घाट से निकलते हुए पूर्व में मुदेर की ओर बहती है। नदी गर्मियों के दौरान सूख जाती और इसका जल मुदेर के पहुंच नहीं पाता था। पूरा मद्रास खेती बाड़ी के लिए इसी नदी पर टिका हुआ था। और पश्चिमी घाट से निकलने वाले दूसरी नदी थी पेरियार। ये पश्चिम की ओर बहती थी और पानी के लबालब पानी से भरा रहता था। इतना ही अक्सर इस नदी से सटे इलाके भीषण बाढ़ की संकट झेल रहे थे, और इस समस्या का एक ही उपाय था, उफनती पेरियार नदी पर बांध बन दिया जाए ताकि इसे जल का बहाव मोड़कर पूर्व की ओर बह दिया जाए। नदी मोड़ने का विचार 18वीं सदी में शुरुआत में वहां के राजा मंत्री मिथु पिल्लई ने सोचा था, लेकिन धर तकनीकी के अभाव की वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और सपना पूरा नहीं हो पाया। ब्रिटिश हुकूमत ने भी बांध बनाने के लिए कई बार प्लान तैयार किया जो कारगर साबित नहीं हुआ। फिर एंट्री हुई मद्रास इंजीनियर ग्रुप के कर्नल जॉन पेनुकिक की। पुणे में जन्मे पेनुकिक ने बांध का डिजाइन बनाने को कहा। कई साल की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार साल 1887 में पेनुकिक ने लगभग 3000 कामगारों के साथ काम शुरू किया। पेरियार नदी बांध बनाने के लिए वाकई बहुत मुश्किल साइट थी।
कच्ची सड़क और रेलवे स्टेशन से सैकड़ों किलोमीटर दूर ठंड और कई महीने लगातार होने वाली बारिश के साथ साथ जंगली जानवरों का खतरा, लेकिन पेनीक्विक इस मिशन पर जी जान से जुटे जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि बांध के फंड की कमी हुई तो पेनीक्विक ने इंग्लैंड में अपनी प्रॉपर्टी तक बेच डाली थी। कई सालों तक कड़ी मशक्कत के बाद साल 1895 में बांध बनकर तैयार हो गया। मुल्ला पेरियर नाम के इस बांध को इंजीनियर का चमत्कार कहा जाने लगा। और ये तस्वीरें देखिए कि पेरियर बांध ने इलाके के लोगों के जीवन बदलने की तमाम तरह की कोशिश की, काम किया, अकाल भुखमरी जैसी समस्याओं से निजात मिल गया। आज भी यहाँ के लोग के लिए एक किसी बांध से वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि ब्रिटिश इंजीनियर यहाँ देवता की तरह पूजे जाते हैं। तमिलनाडु के लोग की भावना का सम्मान करते हुए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार 10 सितंबर को पेनीक्विक की मूर्ति लंदन के पास उनके घर के पास बने पार्क में लगवाने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा एक फैसला है। राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि दुनिया के किन हिस्सों में क्या कुछ चल रहा है और अमेरिका की हैंकड़ी आखिर क्यों कम नहीं हो रही है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।